अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सर कि हम BS में ये टॉपिक आता है मोस्टली, और इसको कैसे लिखना है। एक्चुअली मेरा पर्पज़ जो है दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये मेरा पर्पज़ होता है कि वो टॉपिक है क्या, इसको बच्चों के माइंड में उनको समझा दिया जाए, रट्टा नहीं लगाना, कोई क्रैमिंग नहीं करनी, बस उनके माइंड में वो फिक्स कर दिया जाए ताकि वो खुद से ही उसको लेके चल सके। और दूसरा जो मेरा मकसद होता है, वो बेसिकली मेरा दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चों को ये पता हो। बच्चों को टॉपिक्स आते होते हैं, बहुत सारे बच्चों को टॉपिक्स आते होते हैं भाई कैसे करना है क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करें और एंडिंग तक कहाँ तक लेके जाए। अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो उसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा वही टॉपिक, उसको डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाई ई, कैपिटल ई ओनली। Firstly, when you are given with this topic and you have to write something about that, you must have to define it firstly. For example, इसकी definition हम कैसे करेंगे? The tendency of an electrode. Electrode क्या होता है? कोई भी metal होता है. The tendency of an electrode to get oxidized or reduced when it is placed in a solution of its own salt is called electrode potential. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर इसकी definition को मैं समझाता हूँ। भाई आपने कोई भी मेटल लिया, कोई भी मेटल, गोल्ड ले लिया आपने, जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, कोई भी मेटल आपने ले लिया, उसका जो रॉड है आपने ऐसे बीकर लिया, उस बीकर के अंदर उस रॉड को डिप कर दिया। अब रॉड कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपने जो रॉड लिया है वो जिंक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो आपने रॉड लिया है वो कौन सा है? जिंक है। अब जिंक का रॉड जो है आपने उसके अंदर डिप कर दिया। अब जो आपने रॉड लेना है वही आपने सोल्यूशन लेना है, उसी मेटल का सोल्यूशन लेना है। अब जिंक है तो जिंक होने के नाते हम जिंक सल्फेट ले सकते हैं। अगर मैंने कॉपर लिया होता तो मैं भाई कॉपर सल्फेट लेता, मतलब ऐसा सोल्यूशन लेता जिसके अंदर वो वाला मेटल उसके आयंस मौजूद होते। अब होगा क्या भाई, अब जब मैंने इसको इसके अंदर डिप किया तो मेटल या तो इसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कैसे होता है? ऑक्सीडाइज होता है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, सही है, या तो फिर वो जो मेटल है जो मैंने उसके अंदर डिप किया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ये उसके पास दो सलाहियतें हैं जिसके अकॉर्डिंग एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। वो पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, मिसाल के साथ आपको क्लियर करता हूं। मिसाल यही है कि मेरे पास मैंने जिंक एक रॉड लिया, उस रॉड को मैंने क्या किया कि मैंने एक बीकर के अंदर उसको डिप कर दिया। बीकर के अंदर जो सोल्यूशन था, अगर मेरा रॉड जिंक ही है तो बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है। चले मैं वो भी मेंशन कर देता हूं, जो सोल्यूशन मैंने लिया वो जिंक सल्फेट का ले लिया। अब जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है, जो रॉड डिप किया वो जिंक है, तो होगा कुछ यूं, हमें नहीं पता कौन सा मेटल, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। या तो ये वाला मेटल क्या करेगा कि यहां से रॉड के अंदर से ये M पॉजिटिव, M क्या है, मेटल है, हम कोई भी मेटल की बात कर रहे हैं, तो जिंक क्या करेगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn पॉजिटिव बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Zn1 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Zn2 पॉजिटिव। तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज करते करते आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाएगा। अब क्या हो रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहां पे वो आता जा रहा है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और इस तरह मतलब वो क्या कर रहा है, रॉड क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो सारे का सारा जो मेटल है यहां से मेटल पॉजिटिव की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाएगा। अब सोल्यूशन में जब आएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉड से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गए और जो हमारे पास रॉड है उसमें नेगेटिव चार्ज चला गया। तो भाई हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा चार्जेस का, सॉल्यूशन के अंदर कुछ और है चार्ज और यहां पे कुछ और आ गया चार्ज। तो जब चार्ज का डिफरेंस होता है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल समझते हैं ना, पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वो जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल की या किसी भी इलेक्ट्रोड की वो सलाहियत जिसकी बेस पे जब हम उसको उसके सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो या तो ऑक्सीडाइज होता है या फिर वो रिड्यूस होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब जब यहां पे मैंने मिसाल दी कि होगा क्या, अगर रॉड को डिप किया रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस की फॉर्म में इसके अंदर जा रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोबारा मैं इस बात को क्लियर कर दूं, जब रॉड क्या करता है, जब रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, मतलब लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो मेटल जो है
वो पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब मेटल्स पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल के आयन ज्यादा हो जाते हैं और ये जो हमारे पास रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसकी बिना पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब फिर वही समझे आप, सिंपल ही है, बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने फिर कोई रॉड लिया, कोई भी मेटल लिया। अब मेटल तो भाई मेटल की मर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में जाए या सोल्यूशन से क्या करे आयन्स को अपनी तरफ खींचे। दो ही भाई काम कर सकता है, या तो यहां से वो जैसे यहां पे हुआ, या तो वो यहां से मेटल आयन सोल्यूशन में भेज सकता है या सोल्यूशन से मेटल आयन्स को ले सकता है। दो ही सलाहियतें हैं। तो भाई अब दूसरी सलाहियत की बात करते हैं। अब हमारा मेटल जो है, मैंने रॉड लिया, कोई भी रॉड ले लिया किसी भी मेटल का, उसी मेटल का मैंने सोल्यूशन ले लिया, होगा कुछ यूं। अब हमारे पास दूसरी बात है, वो दूसरी बात क्या है? हमें पता है कि सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे मेटल के चार्जेस हैं, मेटल के आयन्स हैं। अब होगा क्या कि जो रॉड है वो मेटल के आयन्स को जो सोल्यूशन के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास रॉड है वो कॉपर है और जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। जो कॉपर सल्फेट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे जो कॉपर टू पॉजिटिव के आयन्स हैं वो इस रॉड के साथ चिपकना शुरू कर दें। जब इस रॉड के साथ चिपकना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे सारे का सारा जो मेटल आयन्स हैं, जितने भी यहाँ पे मेटल्स के आयन्स हैं, उनकी कमी हो जाएगी और रॉड पे जाके सारे के सारे चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे जो है मेटल के जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो चिपक गए हैं। दो ही काम हो सकते हैं, या तो भाई रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मेटल आयन इसके अंदर जाए जैसा कि यहाँ पे हुआ, या फिर सोल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन्स हैं मेटल के वो इसके साथ चिपक जाए। अगर तो ये वाली बात होती है कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर से मेटल आयन जो हैं वो उसके अंदर जा रहे हैं, उसके साथ चिपक रहे हैं, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पे मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है, हुआ कुछ यूं यहां पे कि भाई ये जो है मेरे पास जो सोल्यूशन के अंदर जो है आयन्स है, हमें पता है सोल्यूशन के अंदर आयन्स ही है मेटल के, ये मेटल एम फॉर मेटल, तो मैं एम जो है वो कोई भी नंबर है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है। अब सोल्यूशन के अंदर जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल कॉपर टू पॉजिटिव है, तो कॉपर टू पॉजिटिव ने इस रॉड के पास गया, इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एन नंबर है। अगर मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और 2 ही गेन कर सकता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसके साथ शिफ्ट होगा, तो भाई ये पॉजिटिव की फॉर्म में नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव की फॉर्म थी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो रॉड है वो न्यूट्रल होता जाएगा। जब सोल्यूशन से आयंस जो है मेटल्स के वो मेटल के साथ चिपके हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। अगर हमारे पास मेटल रॉड से जो मेटल के आयंस हैं वो सोल्यूशन में जाते हैं तब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो आपने इसको ऐसे ही लेना, सिंपली पहले आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन करना है, इसकी आपने डोनोशन बतानी है, इसकी डोनोशन डिनोशन क्या है, ई है, इसकी डेफिनेशन आपने स्टेट करनी है, डेफिनेशन आपने प्रॉपर हमेशा इनवर्टेड कॉमास में लिखनी है, और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की एडिंग देनी है। एक्सप्लेनेशन में इसकी दोनों टाइप्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है, कौन सी इसकी दोनों टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उनको ऐसे ही आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपने वर्डिंग की फॉर्म में, वर्ड्स में उसको पेपर पे आपने लिख देना है और साथ डायग्राम बनानी है, और आपका पेपर जो है वो काफी हद तक हैंडफुल होगा चेक करके लिए, और वो खुल के मार्क्स दे देगा। अब ये सारा सिलसिला करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स बताने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं, इस बात को देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नेचर ऑफ द मेटल। अब भाई नेचर ऑफ द मेटल बहुत जरूरी है, कैसे, मैं जिंक लेता हूं, मैं कॉपर लेता हूं, तो ये तो भाई या तो ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि भाई कोई काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर प्लैटिनम की बात कर दी जाए, प्लैटिनम एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो ना ऑक्सीडेशन करता है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वो पार्ट नहीं लेता उसमें। इस तरह ग्रेफाइट जो है कार्बन की अगर बात की जाए, वो भी एक इलेक्ट्रोड है, वो भी रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो जाता है, लेकिन वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता। तो नेचर ऑफ मेटल, मेटल जो है वो मैटर करती है। जिंक जो है, अगर जिंक हम रॉड लेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर लेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है, आयरन लेंगे, देखें इसकी नेचर बदल रही है। जैसे जैसे मेटल की नेचर बदल रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क आता जाएगा। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मोस्टली आता है कि सर हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें।
भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना अभी कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आपने एक्सेल देखा होगा, सिंपल क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे बॉक्स बना के ताकि आपको समझ आ जाए। आपने वोल्ट मीटर तो देखा होगा, वो जो वोल्ट मीटर है वो आपने सिंपल लेना है, आपने जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है उसको बीकर में उसका सोल्यूशन ले लेना है। अब सोल्यूशन आपने कितना लेना है, 1 मोल, 1 मोलर सोल्यूशन लेना है आपने। जब 1 मोलर सोल्यूशन लेना है, टेम्परेचर आपने स्टैंडर्डाइज कर देना है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपने स्टैंडर्डाइज कर देना है कितना, 1 atm। और इसके अंदर वो मेटल का रॉड आपने डिप कर देना है जिसका आपने सोल्यूशन लिया। तो भाई इसके दरमियान आपने वायर्स के साथ इसको अटैच करना है, तो जो रीडिंग है आपके पास वोल्ट मीटर पे आएंगी वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बहुत ईजी, क्या भाई बताया मैंने कि आपने जिस चीज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक का फाइंड करना है, जिंक का एक रॉड लूंगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लूंगा, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन कितना लेना है, फिक्स लेना है भाई, 1 मोलर लेना है। टेम्परेचर कितना फिक्स कर लेना है रूम का, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना फिक्स कर लेना है, 1 atm। अब उस बीकर में जिसमें मैंने 1 मोलर सोल्यूशन लिया उसके अंदर वो रॉड डिप करना है और वायर्स को उसको साथ अटैच करना है, तो उसके ऊपर रीडिंग आ जाएगी, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका, जो मेटल मैंने यूज किया है। तो ये नेचर ऑफ मेटल चेंज होती है, नेचर ऑफ जो मेटल है, जैसे जैसे हम नेचर मेटल की बदलेंगे, मेटल चेंज करेंगे, तो वैसे ही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा। अगर हम कॉपर लूंगा कोई और आएगा, जिंक लूंगा कोई और आएगा। अब दूसरी बात की जाती है टेम्परेचर की, भाई टेम्परेचर भी बड़ा अफेक्ट करता है, ये टेम्परेचर जो है ये भी बड़ा फैक्ट करता है, इसके ऊपर काफी फैक्ट करता है। इसका क्या फैक्ट है भाई, देख लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि उसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाए, टेम्परेचर कम करेंगे तब भी हो सकता है भाई उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल चेंज हो जाए, तो टेम्परेचर भी इसमें काफी हद तक इफेक्ट करता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है भाई, आपने 2 मोलर ले लिया सोल्यूशन, 3 मोलर सोल्यूशन ले लिया, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब यह है सोल्यूशन में आयंस ज्यादा हो जाएंगे, तो जब सोल्यूशन में आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ज्यादा होगा, चेंज ज्यादा आएगा। तो ये भी जो है वो डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स हैं। तो ये मेजर इसके 3 फैक्टर्स हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी सा जो है वो टॉपिक है ताकि स्टूडेंट्स इसको पेपर में लिखते हुए किसी भी दिक्कत का उनको सामना ना करना पड़े। अब ये तो हमारे पास जनरल था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी एक एडवांस फॉर्म होती है जिसमें नर्स्ट इक्वेशन आती है, और वो नर्स्ट इक्वेशन जो है आइंदा आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो इसकी एडवांस फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई वो पोटेंशियल जो जनरेट होता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, किसी भी मेटल को उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है या फिर वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लफ्ज यूज करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, भाई यही चीज है, बस उसमें हमने जो कंडीशन लेनी है वो स्टैंडर्डाइज कर देनी है। जैसा कि टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर ली 1 मोलर, प्रेशर जो है वो हमने फिक्स कर लिया 1 atm या 1 bar भी मोस्टली लोग ले लेते हैं। तो इसको इसमें जो है अगर हमारे पास कैपिटल ई है सिंपल, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सादा वाला, अगर हमने साथ ई नोड लगाया है तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये भाई हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ज्यादा बड़ा नहीं था। BS और MS के स्टूडेंट्स जो है इसको मोस्टली घबरा जाते हैं कितना लिखना क्या लिखना है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है और थोड़े से इसके बाद में फैक्टर्स बता देने हैं, और अगर मेजरमेंट का तरीका भी आता है तो वो भी लिख दे, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, टीचर आपको खुल के मार्क्स दे देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो मजीद केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, फेलोज हैं, उनके साथ मेरा जो ये वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।